हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स। व्यूअर्स, आज मैं आपको दिखाता हूँ ये जो है ब्रिक्स का अनलोडिंग चल रहा है और ये कितना प्राइस में आता है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये जो देखिएगा लगभग आपको 7.5 से 8 रुपये तक मिल रहा है आज की डेट में ब्रिक्स। इसमें वो एक क्वालिटी वहाँ पर एक टाइप है और एक टाइप है। ये मुझे ऐसे देख के लग रहा है कि पूरा अच्छे तरीके से जला हुआ नहीं है। वो जो देख रहे हैं देखो वो माल वो बेटर दिख रहा है इससे, बट उसमें भी एक प्रॉब्लम है, थोड़ा साइज़ का प्रॉब्लम है। ये थोड़ा एग्जैक्ट है, वो थोड़ा कम ज़्यादा है समझो, वो एक प्रॉब्लम है। थोड़ा फिनिशिंग ठीक ठाक लग रहा है मुझे, एक ही सेम सरफेस अच्छा है इसका। और अब हम इसका चेक करते हैं इसका साइज़ के बारे में। एक दो तीन ईंट मैं उठाता हूँ और इसको कैसा गिना जाता है वो भी मैं बताऊँगा अंत में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा आपको एक ब्रिक लेना है। ब्रिक लेने के बाद फिर उसको मेज़रमेंट टेप से मेज़र करना। ये जो आया समझो 8.9 आया, मतलब 9 इंच को ना 2 सूत कम है। ओके, इस 1 इंच में टोटल 8 सूत रहते हैं, 8 सूत में से 2 सूत कम है। सूत हम बोलते हैं या फिर धागा, 2 धागा कम है ऐसा बोलते हैं। देखो ऐसा मतलब 2 सूत कम है 1 इंच में। देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 सूत रहते हैं, 8 में से 2 सूत कम है इसके अंदर। और विड्थ की बात करें तो ये जो है ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 4 इंच तक मिल रहा है आप लोगों को। एंड इसका थिकनेस की बात करें तो ये जो है ऑलमोस्ट 3 इंच को फिर 1.5 सूत कम दिख रहा है, 1.5 सूत का फ़र्क आ रहा है। तो इस तरह से मेज़रमेंट करना। एंड दूसरा चीज़, इसको पानी के अंदर डुबाना चाहिए तभी आप लोग ईंट का चेकिंग कर सकते हैं। और वाइट फ्लेकीनेस नहीं रहना, सरफेस स्मूथ रहना। स्मूथ नहीं रहे तो भी चलता, रफ़ है तो भी चलता। क्यों बोलो, रफ़ होने की वजह से ग्रिप अच्छा पकड़ लेता है। ओके, अगर आप स्मूथ रखे तो ग्रिप सही से नहीं पकड़ लेगा, वो एक प्रॉब्लम होता। और इसको कैसा गिना जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा ब्रिक्स में कैसे रहता है, इधर से लेके ना पूरा वहाँ तक, लॉरी में बोल रहा हूँ मैं, जब रखते हैं उसके अंदर 88-89 ऐसा आता है। तो फिलहाल हम 88 कंसिडर किया गया। और ऐसा विड्थ में 10 रहते हैं, प्लस एक दिंड बोल को रहता है, ये वाला एक दिंड, ऐसे एक सिंगल लाइन जो रहता, देखो ये दिंड बोलते हैं इसको, वो 28 रहते हैं। ठीक है, ऐसा विड्थ में 10, ऐसा लाइन में उतना रहते हैं। सो एक पूरा फुल में देखे तो 4500 ब्रिक्स आते, एक ऐसा 4500 प्लस आता। 88 इंटू 10 करना, प्लस 128 ब्रिक्स ऐसा सिंगल लाइन में रहता, 29 ब्रिक्स सिंगल रहता। ओके, सो टोटल एग्जैक्ट की बात करें तो आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 88 इंटू 10 880 प्लस 130, मतलब ऑलमोस्ट 910 ब्रिक्स आते, 909 ब्रिक्स आते हैं ऐसे सिंगल एक पदर। अगर आप 5 पदर लिए तो इंटू फ्लाई फाई करना, ऐसा उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। और ब्रिक्स का एक कंडीशन रहता है ब्रिक ओनर से, जब भी आप ब्रिक्स लेते हैं ना तो अगर टूटा हुआ रहा समझो उसके अंदर ही इंक्लूड कर देते वो लोग, ऐसा नहीं है कि उसको सेपरेट कर देते, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं, वो इसी के अंदर इंक्लूड रहता है। ऐसा है दोस्तों, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, वो एक प्रॉब्लम है। एंड दूसरा बाकी का सब ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, इस तरह से लिया गया। वो वाला ब्रिक ही मुझे बेटर लग रहा है बिकॉज अच्छा फुली बर्न्ड है, ये वाला बर्न्ड नहीं दिख रहा है, सो कच्चा कच्चा दिख रहा है ये वाला चीज़। वो कंपनी RN5 है और उसमें SK भी आता है, ये जो है M4S, MS4, MS5 ऐसा है। ओके, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और कुछ डाउट रहा तो ब्रिक के बारे में बता दीजिएगा, धन्यवाद।